दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। करण दलाल जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, आज उन्होंने सबकी धड़कनें बढ़ा दी हैं। अभी झाड़सेतली में एक महापंचायत उन्होंने बुलाई है। महापंचायत में क्या होगा, इस बात पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं कि वहाँ पर क्या डिसीज़न लिया जाता है। आप जानते हैं करण दलाल फरीदाबाद लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। करीब 5 वर्षों से, मैं कहूँ 6-7 वर्षों से तैयारी कर रहे थे। इससे पहले आपने देखा होगा 2019 में भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको नहीं मिली। इसी तरह से नाराज हुए थे, एक दो मीटिंग्स वगैरह बुलाई थी, उसके बाद मान गए थे। और इस बार भी यानी 2024 में भी वे फरीदाबाद लोकसभा की टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिली। महेंद्र प्रताप उर्फ एमपी को कांग्रेस ने अपना लोकसभा प्रत्याशी बना दिया। अब ऐसा कहा जा रहा है कि करण दलाल कांग्रेस के इस फैसले से नाराज़ हैं, उनको टिकट ना मिलने से नाराज़ हैं। अब आज अभी झाड़सेतली में उन्होंने महापंचायत बुला ली है। सेक्टर 59 जो मोड़ है, वहाँ पर एक बड़ी महापंचायत है। 10 बजे से महापंचायत शुरू हो जाएगी। उसमें किस तरह का समर्थन उनको मिलता है, कितने लोग आते हैं वहाँ पर, क्या बातचीत होती है, इस बात पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। किशन पाल गुर्जर की भी नज़रें टिकी होंगी, महेंद्र प्रताप की भी नज़रें टिकी होंगी, अन्य जो उम्मीदवार हैं चाहे सुनील तेवतिया, इन्हें लोग और भी जो उम्मीदवार हैं मैदान में, सब की नज़रें टिकी होंगी कि महापंचायत में क्या होता है। अगर मैं अपने फील्ड एक्सपीरियंस को बताऊं, तो पृथला से आगे एक तरफा करण दलाल का माहौल था। पृथला के, पलवल के, होडल के, हथीन के लोगों ने मन बना लिया था भैया करण दलाल को इस बार पक्का पूरा समर्थन है। तो सब ने पहले से मन बना लिया था कि भैया चुनाव लड़ेंगे, करण दलाल को सपोर्ट करेंगे। करण दलाल को भी इस बात की जानकारी थी, भैया मुझे तो पूरा समर्थन है। अब ऐसे में टिकट ना मिलना, जो वहाँ के लोग हैं उनको भी थोड़ा सा अजीब सा लगा है, हैरानी हुई है। और करण दलाल के जो सपोर्टर हैं, जिन्होंने उनको वोट देने का वादा किया था, सपोर्ट देने का वादा किया था, वो भी थोड़ा सा नाराज़ हैं। इसी नाराज़गी को देखते हुए करण दलाल ने आज महापंचायत बुलाई है, जिसमें वे लोगों से राय जानेंगे भाई चुनाव लड़ें या ना लड़ें। बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं भैया निर्दलीय लड़ जाओ, जीतने के बाद जिसकी सरकार बनेगी उसको सपोर्ट दे देना आप, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है जो निर्दलीय जीतता है वो सरकार को सपोर्ट दे देता है। तो कई लोग करण दलाल को ऐसा बोल रहे हैं कि भाई निर्दलीय लड़ जाओ, क्योंकि पलवल से आपको पूरा सपोर्ट तो है ही है, फरीदाबाद से भी वोट ज़रूर मिलेंगी आपको, अगर आप 8-10 लाख वोट भी ले लेते हैं तो जीत तो पक्की है, ऐसा उनको बोला जा रहा है। हालांकि जो बीजेपी वाले हैं वो ये सोच रहे हैं कि अगर करण दलाल लड़ा तो ये जो है फ़ायदेमंद होगा उनके लिए, क्योंकि कांग्रेस की वोट वो काट लेंगे और भाजपा की वोट बीजेपी प्रत्याशी को मिल जाएगी। तो इसमें अपनी एक वो पॉजिटिव देख रहे हैं कि करण दलाल चुनाव लड़े। और इधर महेंद्र प्रताप का जो खेमा है वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि करण दलाल चुनाव लड़े। अब अगर करण दलाल चुनाव लड़ते भी हैं तो उनको पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, और उनको जो महेंद्र प्रताप को इधर सपोर्ट मिल गया है, थोड़ा सा माहौल इधर बन गया है, उस माहौल को ख़त्म करना पड़ेगा, वरना इसका नुकसान करण दलाल को भी होगा। आप देखते हैं करण दलाल ये काम कर पाएंगे कि नहीं। अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनको महेंद्र प्रताप की जो लहर इधर बनी है 2-4-10 दिन में, उस लहर को ख़त्म करना पड़ेगा, जनता को भरोसा दिलाना पड़ेगा भैया जीत तो मेरी होने वाली है। अगर वे ऐसा कर पाएंगे तब तो उनको हो सकता है फ़ायदा हो चुनाव लड़ने का, अदरवाइज़ तो त्रिकोणीय मुकाबला मैं तो बोलूँगा। भैया करण दलाल भी हैं मजबूत नेता, महेंद्र प्रताप भी हैं,
कृष्ण पाल गुर्जर भी हैं। अच्छा, करण दलाल अगर लड़े तो इसका नुकसान इनेलो को होगा, सुनील तेवतिया को होगा, क्योंकि अभी सुनील तेवतिया सोच रहे हैं भैया जाट बेल्ट तो उन्हें ही सपोर्ट करेगी, क्योंकि महाराजा नाहर सिंह के वंशज भी हैं, तो इसका भी फायदा उनको मिलेगा और जाट बेल्ट का भी सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर करण दलाल चुनाव लड़ गए तो इसका नुकसान सुनील तेवतिया को हो सकता है उठाना पड़े, क्योंकि कल अलावलपुर में जो महापंचायत उन्होंने बुलाई थी, गांव की पंचायत बुलाई थी, पंचायत वाले कह रहे थे भैया हम तो करण दलाल को वोट देना चाहते थे, तो सुनील तेवतिया ने बोला भैया करण दलाल तो अब है नहीं मैदान में, तो हमें ही समर्थन दे दो, तो वहाँ उनको आशीर्वाद मिल गया था। लेकिन अगर करण दलाल चुनाव लड़े तो ये जो आशीर्वाद सुनील तेवतिया को मिला है ये आशीर्वाद वापस करण दलाल को मिल जाएगा, क्योंकि जब भी लोगों से बातचीत की जाती है तो लोग कहते हैं एक आदमी को हराना है, एक आदमी को हराना है, हमें बस एक आदमी को हराना है, उसके लिए हमें जो मजबूत दिखेगा उसी को वोट देंगे, पब्लिक ये ठाने बैठी है कि एक आदमी को हराना है। तो एक आदमी को हराने के लिए पब्लिक जो है, जो मजबूत प्रत्याशी होगा उसी को वोट देना चाहेगी, क्योंकि अगर इधर उधर वोट गए तो कई बार वोट बढ़ जाते हैं, वोट खराब भी हो जाते हैं। तो पब्लिक भी इस बार समझदारी से वोट करने वाली है। बाकी अभी देखते हैं भैया क्या होता है, करण दलाल क्या मैदान में खड़े होते हैं, क्या इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं, या किसी पार्टी का टिकट लाते हैं। अभी तो देखो बहुत कुछ हो सकता है, अभी तो नॉमिनेशन भी नहीं हुआ है, ना भाजपा का, ना कांग्रेस का, ना किसी इंडिपेंडेंट का, किसी का भी नॉमिनेशन अभी नहीं हुआ है। अब करण दलाल के पक्ष में अगर आज भीड़ उमड़ी, अगर उनको सपोर्ट मिल गया तो समझ लो भैया आज वो खड़े हो जाएंगे चुनाव में, भले ही इंडिपेंडेंट खड़े हों लेकिन खड़े हो जाएंगे, ये मान के चलिए। तो दोस्तों आप लोग भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि आज झाड़सेतली में क्या होता है, करण दलाल क्या स्टेप लेते हैं और आगे किस तरह से चुनाव चलता है, आप लोग भी इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन आप लोग इस बार देख रहे होंगे इस बार 2014-2019 वाला चुनाव नहीं है, इस बार बिल्कुल अलग चुनाव है। अभी आप लोग देख रहे होंगे 2014-2019 में भाजपा वाले कांग्रेसियों को भ्रष्टाचारी, चोर, घोटालेबाज ये सब बोलते थे, लेकिन आज कांग्रेस अटैकिंग मोड में है। आज कांग्रेस भाजपाइयों को भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज, प्रॉपर्टी डीलर हैं ये सब बोल रही है, और भाजपाई जवाब नहीं दे पा रहे हैं और बचाव की मुद्रा में है। कांग्रेस अटैकिंग के मोड में है और जो भाजपाई हैं वो अपना बचाव करने के मोड में है, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो चुनाव अलग है, इस बार क्या होगा किसी को कुछ अभी पता नहीं है, क्योंकि जनता बिल्कुल कुछ अलग ही कर सकती है इस बार। तो देखते हैं क्या होता है, आपको अपडेट रखेंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।